दोस्तों, सभी का मेरा YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर मेरा वीडियो या मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों दोस्तों आज बात करते हैं 138 NI एक्ट क्या होता है। 138 NI एक्ट क्या है? अगर किसी व्यक्ति को पैसे के बदले किसी को चेक दे दिया जाता है, अगर वह टाइम जितना टाइम है, जैसे 1 साल का हो, 2 साल का टाइम लेने के बाद अगर वह व्यक्ति अपने पैसे नहीं लौटाता है, तो आप चेक से किस प्रकार से वसूल सकते हो पैसा, ये आप इस वीडियो में देखोगे। लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिए दोस्तों। जब तक आप अंत तक नहीं देखोगे, आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दे दिया, उसके बदले आपने चेक ले लिया, वो व्यक्ति कहता है कि आपको 1 साल में पैसे लौटा दूंगा या 2 साल में पैसे लौटा दूंगा। लेकिन दोस्तों, उस चेक अगर आप लो तो उस चेक में डेट नहीं डलवानी चाहिए, और जो बैंक खाते में आपका नाम है वही उस चेक में नाम लिखवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे अलग नाम लिखवा दोगे तो आपके चेक किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप उसे जैसे साल भर में वो पैसे देकर आप अगर जिस दिन आपको डेट उसमें डलवा दी, तो वो 3 महीने तक वैलिड रहता है, फिर वो काम नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हो तो उसके बदले अगर आप चेक लेते हो तो उस चेक में पूरी डिटेल भरनी चाहिए। आपका जो अकाउंट बैंक में जो नाम है वो उसमें नाम भरवाना चाहिए, कितने पैसे लिए उस पैसे डलवाना चाहिए। ओनली आप उस में चेक में डेट नहीं भरिए, क्योंकि अगर डेट भर दोगे तो आप उस व्यक्ति ने साल भर का करार किया है तो वो चेक वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने तक ही चेक वैलिड होता है तारीख डालने के बाद। अगर ऐसा आप करते हो तो आप समझदारी का काम करोगे, अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके पैसे डूब सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हो तो आप इस सामान्य जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, पैसे डूबने के कगार पर रहेंगे या डूब जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पैसे उधार देते हो तो पहले आप इस सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी चाहिए, चेक ले लेना चाहिए, खाली ये नाम पता भरवा लेना चाहिए, खाली भी ले ले सकते हो। ये चीजें लेने के बाद ही आप किसी को पैसे उधार दीजिए, नहीं तो आपके पैसे पैसे के पैसे डूब जाएंगे और वो जो चेक लिया वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार देने के पहले उससे चेक ले लेना चाहिए, चेक में जितना अमाउंट है उतना भर लेना चाहिए और केवल डेट उसमें खाली छोड़ देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति जितना टाइम पीरियड के लिए पैसे लिया उसके पैसे नहीं देता है, तो आप उस चेक को बाउंस करवा लीजिए बैंक द्वारा। बाउंस होने के बाद आप किसी भी संबंधित वकील या आपके मिलने वाले वकील से संपर्क कीजिए, वकील उसे एक लीगल नोटिस देगा 15 दिवसीय। अगर उसके बाद भी वो व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौटाता है तो आप 138 NI एक्ट में कोर्ट में केस कर सकते हो। केस करने के बाद जब उसमें रिपोर्ट होगी, उसके बाद बस प्रसन्न ज्ञान होगी, कोर्ट ये मानेगी कि ये चेक दिया ये सही है, उसके बाद उसके नोटिस जारी होंगे। नोटिस जारी होने के बाद, तामील होने के बाद, अगर वो व्यक्ति जमानती वारंट, फिर गिरफ्तारी वारंट, जमानत कराने के बाद अगर गिरफ्तार वारंट होने के बाद भी नहीं आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार लाके कोर्ट में पेश करेगी। इसलिए दोस्तों, ये प्रक्रिया इसमें होती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति के पास चेक है तो उसके पैसे कोई नहीं खा सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, उसमें डिटेल सही होनी चाहिए, उसके साइन होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए चेक पे, इसका चेक है, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसे लाइक जरूर करना नहीं भूलें, और कमेंट्स में अगर कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो।